गोरखपुर विश्वविद्यालय पर चल एक मामले में चर्चाओं का माहौल है गर्म। कुशीनगर के एक कोचिंग सेंटर और वहीं के एक महाविद्यालय की मिलीभगत से प्रश्न पत्र लीक होने की है चर्चा। थाना समाधान दिवस पर डीएम और एसएसपी ने सुनी लोगों की फरियाद। डीएम ने कहा जमीनी विवाद का श्रावस्ती मॉडल से होगा निस्तारण। अवैध असलहा लूट की मोबाइल के साथ दो लुटेरे को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीओ गोरखनाथ ने किया खुलासा। 22 में से 13 छात्र छात्राओं को शून्य अंक प्राप्त होने से छात्रों का फूटा आक्रोश। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन की मांग। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। 23 से 30 अप्रैल तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की तैयारियों की हुई समीक्षा। जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में 22 अप्रैल को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रकाश चंद्र शुक्ला ने दी जानकारी। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सफेद हाथी साबित हो रहा है ई रिक्शा। जरूरतमंद मुसाफिर लौट रहे हैं मायूस। वेतन न मिलने पर दोनों ड्राइवर हैं नदारद। हमारे गोरखपुर न्यूज संवाददाता सुनय पांडे की विशेष रिपोर्ट। स्कूलों में कैंप लगाकर मुहैया कराई जा रही है एनसीईआरटी की सब्सिडी रेट पर किताबें। महानगर की 4 दुकानों में भी उपलब्ध है रियायती पुस्तकें। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक सूर्यकुंड धाम परिसर में किया गया धरती माँ का श्रृंगार। बिटिया तुझे सलाम का किया गया नुक्कड़ नाटक। दिया महिलाओं के प्रति सम्मान का संदेश। शनिवार को शुरू हुआ यातायात जागरूकता कार्यक्रम पखवाड़ा। लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया जा रहा है जागरूक। गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमएससी रसायन शास्त्र फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं को दी गई विदाई। मनमोहक नृत्य से बांधा समा। और सडन डेथ में बापू इंटर कॉलेज पीपीगंज बना अंडर 14 सुब्रतो जनपद स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का विजेता।